सो लेट्स गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीओ के Y75 डिवाइस के अंदर आप चार्जिंग एनिमेशन सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये जो चार्जिंग एनिमेशन सेटिंग्स है आपको काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है और ये जो है अभी लोगों को बाय डिफॉल्ट तो दिए हैं जिसमें एंड्रॉइड 9 और 10 11 12 सब में मिल रहा है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है चार्जिंग एनिमेशन का, तो मैं उस सेटिंग्स की बात करूंगा। हालांकि इसके एप्लीकेशन भी आते हैं तो आप एप्लीकेशन का भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स का यूज करेंगे। चार्जिंग एनिमेशन यूज करने के लिए हमें सेटिंग्स ऑप्शन चूज करना होगा, यहां पर हमने क्लिक करा। अभी जिस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ रहा है तो आपको भी सेम इंटरफेस मिलेगा देखने को। हालांकि चार्जिंग एनिमेशंस के लिए हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना होगा। एक सेटिंग्स आपको मिलती है, मोस्टली ये सभी फोनों में मिलता है, एंड्रॉइड 9 और 10 11 12 के जितने फोन्स होते हैं ऑलमोस्ट सबको सबके फोन में एक डायनेमिक इफेक्ट का सेटिंग्स देखने को मिलेगा, आपको इसे जस्ट क्लिक करना है। अभी गाइस आप देखेंगे तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके फोन में अगर सारे ऑप्शंस हैं तो आप सबका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, हालांकि मेरा वीओ का V23 प्रो है इसलिए हमारे फोन में थोड़ी सी सेटिंग्स आपको डिफरेंट मिल सकती है, बिकॉज़ जो चार्जिंग एनिमेशंस होगा आपको इसी सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा। अब आप देखेंगे तो हमारे पास चार्जिंग एनिमेशन, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर चार्जिंग एनिमेशंस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहां पर है, ये है चार्जिंग एनिमेशंस, इसको आप जस्ट क्लिक करेंगे, आप भी क्लिक कर लेना अपने फोन में, तो चार्जिंग एनिमेशंस के हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। यहां पर कुछ टेम्पलेट है, अराउंड यहां पर 7 टेम्पलेट मिलते हैं इसके एनिमेशंस के, जिसमें आप जो है किसी भी चेंज करना चाहे एनिमेशंस को जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, देन अप्लाई बटन है, आप इसको अप्लाई कर देंगे तो ये जो चार्जिंग एनिमेशंस है आपके फोन में कंप्लीटली अप्लाई हो जाएगी। लेकिन गाइज अगर आप यहां से इसे अप्लाई करते हैं चार्जिंग एनिमेशंस को, तो आपको जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं ना, ये जो है एंड्रॉइड 9 और 10 जितने फोन्स होते हैं, एंड्रॉइड 9 10 के जितने भी फोनों में ये चार्जिंग एनिमेशंस का ऑप्शंस होता है, अप्रोक्सली उसमें सब कुछ सेम टू सेम होता है। कम से कम इन लोगों को 12 वाले फीचर के अंदर आपको इनको एक्स्ट्रा कुछ देना चाहिए, इससे अलग एनिमेशन देने चाहिए, बिकॉज ये भी एंड्रॉइड 9 और 10 का ही चार्जिंग एनिमेशन है और आप अगर इन्हें चाहें तो यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर बार बार आप यूज करेंगे थोड़ा सा बोर हो जाएंगे इसको, तो आप इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप का भी ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। मैं आपको एक एप्लीकेशन रिकमेंड करूंगा, आप इसको ट्राई करना है, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टम मतलब अपना खुद का फोटोज भी चार्जिंग एनिमेशन पे लगा सकते हैं। आपको आने के बाद यहां पर सर्च करना है चार्जिंग एनिमेशन, तो यहां पर आपको चार्जिंग एनिमेशन सर्च करेंगे, अब यहां पर आपको ढेरों सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, जो पहला वाला एप्लीकेशन है या फिर थर्ड वाला जो आपको मिला, हालांकि एड लगा हुआ है पहले आपको दिख रहा है, ये वाले एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, आप इसको ओपन कर लेना। हालांकि इसकी डाउनलोडिंग की बात करें तो काफी ज्यादा है, इसकी डाउनलोडिंग 10 मिलियन प्लस है और रेटिंग भी 3.6 की है और आप इसे यूज कर सकते हैं, यूज दैट मींस कि आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। इसमें एनिमेशंस आपको एक दो नहीं ढेरों सारे एनिमेशंस मिल सकते हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई भी हुई है कैसे आपको इन एनिमेशंस को यूज करना है, अगर आप देखना चाहें तो आप की चार्जिंग एनिमेशंस में किसी भी एप्लीकेशन को देख सकते हैं, लाइक वीडियोस को देख सकते हो जिसमें चार्जिंग एनिमेशंस का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं है। तो होपफुली गाइस आप समझोगे कैसे चार्जिंग एनिमेशन यूज करना है सेटिंग्स से। फिर भी अगर आपके मन में इसके रिकॉर्डिंग कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फॉलो करके वहां भी अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। एंड गाइस हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।